children welcome back to my channel knowledge at your doorstep so today i am going to explain a chapter which is for cla class 11th and the name of the chapter is the portrait of a lady by Kuswan singh and i am going to explain this chapter in hindi it is the first chapter of a book hornbill so let's begin with the chapter the portrait of a lady matlab ek ka. portrait yani ki drawing painting or sketch my grandmother like everybody's grandmother वॉज एन ओल्ड वूमेन मेरी दादी सभी की दा सभी लोगों की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी शी हैड बीन ओल्ड एंड ब्रिंकल फॉर द ट्वेंटी ईयर्स दैट आई हैड नोन ह और पिछले बीस सालों से ही जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ या जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वो बूढ़ी और झुर झुर्रियों वाली हैं पीपल सेट दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अजबेंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव लोग कहते हैं कि कभी उनके कभी वो बहुत ब्यूटीफुल प्यारी और जवान हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी थे बट इस बात पर बिलीव करना इस बात में विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल था माई ग्रैंड माई ग्रैंड फादर्स पोट्रेट हम अबअब द मेंटल पीस इन द ड्राॅइंग रूम मेरी ग्रैंड फादर यानी मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट लटकी हुई थी कहाँ मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में अब मेंटल पीस क्या होता है मेंटल पीस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लकड़ी से या मार्बल से या स्टोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो जहाँ आग जलाने की प्लेस होता है उसके ऊपर बना रहता है तो फायर प्लेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहता है उस जो कि इधर मार्बल और स्टोन या वुड किसी का भी बना हो सकता है तो उसी को हम कहते हैं मेंटल पीस तो वहाँ पर ड्रॉइंग uh, रूम में एक पोर्ट्रेट लटकी रहती थी उनके ग्रैंड फादर की ही वोर अब बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ वो क्या क्या पहनते थे एक बड़ा सा टर्बन पगड़ी बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनते थे इज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ इज चेस्ट एंड ए लुक्ड एट लीस्ट हंड्रेड ईयर्स ओल्ड और उनकी जो लंबी सी सफ़ेद कलर की सफ़ेद रंग की जो दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट के बेस्ट पोर्शन तक आती थी यानी कि उसको कवर करी हुई थी और वो कम से कम सौ साल के लगते थे यानी कि उस पोर्ट्रेट को देख कर वो ऐसा बोलते हैं ऑथर ऐसा बोलते हैं कि उस पोर्ट्रेट को देख के लगता था कि उनकी दाढ़ी जो थी वो वाइट कलर की लंबी थी और उनके चेस्ट के बेस्ट पोर्शन को काफ़ी पोर्शन को उन्होंने उसने कवर कर रखा था और वो लगभग सौ साल के देखने से लगते थे ही डिड नॉट लाइक डिड नॉट लुक लाइक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन और वो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे कि जैसे कि मानो उनकी कोई वाइफ या चिल्ड्रन रहे हों ही लुकड एज इफ ही कुड हैव ओनली लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन वो ऐसे लगते थे कि मानो उनके सिर्फ बहुत सारे बहुत सारे सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे मतलब इतने बड़े लगते थे अपनी पोर्ट्रेट में जो राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड पिटी द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग और जैसे मेरी जो मेरी ग्रैंड मदर की जहाँ तक बात है कि वो यंग और पिटी थी ये थॉट भी जो था बहुत ही ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग था मतलब इस बात में बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था कि वो कभी अपने समय में ब्यूटीफुल और यंग या प्रिटी रही हो। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड और वो अक्सर उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थीं दैट सीम क्वाइट एबसर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एज वी एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफिट प्रोफिट्स सी यूज टू अस और वो खेल हमें बहुत ही इलॉजिकल मुक्तापूर्ण लगते थे लेकिन हम उन्हें उनके द्वारा सुनाई जाने वाली पैगंबर स्टोरी की कथाएं या फिर जातक कथाओं जा, इसी टाइप से उनको हम मानते थे मतलब उनको वो सच नहीं मानते थे उनको वो एक फेबल से तक कथाओं के रूप में ही लेते थे जो पोएट इस सॉरी uh, इस चैप्टर uh, के ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड वो हमेशा से ही छोटी सी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी हर फेस वॉस और क्रिस्क क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर और उनके चेहरे में आ, हमेशा खूब सारे रिंकल्स झुरियाँ ही पड़ी हुई थी जो कि उनके चेहरे में पूरी तरह से कवर्ड थी यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके चेहरे में उनका जो पूरा चेहरा था वो झुरियों से भरा हुआ था नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर और हम इस बात से निश्चित थे कि वो हमेशा से ही ऐसी रही होंगी जैसे कि हम उन्हें जानते हैं ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स और फिर ऑथर uh, आगे कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती या फिर इससे ज़्यादा वो बड़ी हो ही नहीं सकती और वो पिछले बीस सालों से उसी एज uh, की दिखती थी यानी कि वो इतनी बूढ़ी थी पिछले बीस सालों से कि वो अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी वो वैसे ही लगती थी जैसे कि वो बीस साल पहले दिखती थी शी कुड नेवर हैव बीन पिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल वो कभी भी प्यारी नहीं हो सकती लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी कहने का मतलब है सिर्फ फिजिकल अपीरेंस सब कुछ नहीं होता इनर ब्यूटी भी एक चीज़ है ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर ब्यूटी ऑफ नेचर इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर ऑथर करना चाहते हैं सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेज टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी और वो लंगड़ा कर लंगड़ाते हुए चलती थी अपने सफ़ेद कलर के स्वच्छ कपड़ों में और एक हाथ अपनी कमर में रखे रहती थी ताकि वो अपने को गिरने से बचा सकें और एक हाथ से वो माला जपा करती थी यानी कि वो माला जपती थी भगवान का नाम लिया करती थी हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड untidily over ओवर हर पेल face, फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली in इन prayers. प्रेयर्स और जो उनके सिल्वर कलर के उनके जो सिल्वर कलर के जो ग्रे हेड्स थे वो पूरे स्कैटर्ड रहते, रहते थे फैले हुए रहते थे बिल्कुल अन उनको वो टाइट अच्छे से बांधती नहीं थी तो स्कैट स्कैटर्ड रहते थे पूरी तरह से फैले रहते थे उनके जो कुछ पीला पड़ा चेहरा उसके ऊपर ऐसे फैले रहते थे और उनका जो थका हुआ या फिर एक्सप्रेशन लेस फेस था के ऊपर वो फैले रहते थे जो बाल थे उनके सिल्वर कलर के और उनका जो लिप्स था वो कंटिन्यूसली लगातार एक अनऑडेबल यानी जिसको हम सुन नहीं सकते ऐसी एक प्रेयर में लगा रहता था उनके जो माउथ था वो लगातार एक बिना सुने जा जाने वाली प्रेयर वो करती थी उससे वो बिना सुने जाने वाली प्रेयर करती थी यानी कि वो बहुत धीरे धीरे वो प्रेयर को करती थी बहुत हौले से यस शी वॉज़ ब्यूटिफुल शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन हाँ वो ब्यूटीफुल थी वो सुंदर थी खूबसूरत थी फिर आगे ऑथर अपनी ग्रैंड मदर की ब्यूटी को एक माउंटेन यानी कि पहाड़ों में जो सर्दियाँ होती हैं उसके नज़ारे से कंपेयर करते हैं क्योंकि सर्दियों में नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है पीसफुल होता है काम होता है उसी तरह से वो अपनी जो ग्रैंड ग्रैंड मदर थी उनकी ब्यूटी को कंपेयर करते हैं एक ब्यूटीफुल से माउंटेन की सर्दियों से और वो कहते हैं कि एन ऑफ प्योर 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 वाइट सीरिनीटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंट कंटेंटमेंट और उनका जो ब्यूटी थी वो फैलाव था एक्सपेंस था विस्तार था उनकी प्योरिटी का उनकी कामनेस का उनका उनकी शांति का और उनके संतो, संतोष संतुष्ट भाव का उनके संतुष्टि का माई ग्रैंड मदर एंड आई गुड फ्रेंड्स माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगैदर मेरी जो ग्रैंड मदर थी और मैं जो था वो अच्छे दोस्त थे मेरे पाप मेरे पेरेंट्स मेरे माता पिता हमको छोड़कर हमको वहीं छोड़ के सिटी चले गए थे यानी कि सिटी या शहर में रहने के लिए चले गए थे और तब एंड तब से हम लोग लगातार साथ साथ थे यानी कि उनकी दादी और वो तब से लगातार साथ साथ थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको छोड़कर शहर चले गए थे शी यूज़ टू वेक मी अप इन मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल वो सुबह वो मुझे सुबह उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी शी शेड said सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अमोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप that आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट और वो क्या करती थी अपनी जो प्रेयर्स थी और वो जो वो जो मॉर्निंग के प्रेयर्स हुआ करती थी सुबह की प्रार्थनाएं होता हुआ करती थी वो एक गाने के रूप में हमेशा से ही रिपीटेडली मोनोटोनसली मतलब बार बार रिपीट करना या एक ही बात को बार बार कहना या टी फॉर्म में वो लगातार एक ही प्रेयर को गाने के रूप में गाया करती थी कब गाया करती थी जब वो मुझे नहलायक नहलाती थी जब मुझे वो कपड़े पहनती थी इसी आस में कि मैं उसको सुनूँगा और उसको उसको बाय हार्ट में मतलब पूरी तरह से अच्छे से याद कर लूँगा उसको अच्छे से याद कर लूँगा आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवा आवाज़ जो थी बहुत ही पसंद थी मैं उनकी आवाज़ को प्यार करता था उनको अच्छा उनकी आवाज़ को मैं पसंद करता था लेकिन मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं उनको उसको सीखूँ यानी कि उस प्रार्थना को सीखूँ ऐसी कोशिश ऑथर ने नहीं की देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विद विश she had already wa already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen टाई them all in a bundle and हैंड इट टू मी उसके बाद वो क्या करती थी एक वुडन स्लेट को निकालती थी और उसके बाद उसको जो उन्होंने पहले से धो रख के साफ कर रखी होती थी उस स्लेट को निकालती थी और उसको येलो कलर की चौक से लीप देती थी या फिर उसमें येलो कलर का चौक से पोत लिपा जैसे लेप ना होता है उसको लेप देती थी येलो चौक से और उसके साथ में एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई अर्थन पॉट रहने कि अर्थन मतलब मिट्टी से बनी हुई पॉट रखती थी और एक रेड पैन रखती थी और उन सबको वो एक बंडल में बांध देती थी और वो फिर मुझ मेरे हाथ में देती थी आफ्टर अ ऑफ अ आफ्टर ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल और ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट में वो देती थी एक मोटी सी बासी चपाती रोटी देती थी उसमें थोड़ा सा बटर और ऊपर ही शुगर डाल के ऊपर से फैला के देती थी और हम फिर स्कूल जाते थे सी कै के, सी कैरेट सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स और वो बहुत सारी बाँसी चपातियों को अपने संग ले जाती थी ताकि वो गली जो गाँव वाले जो गाँव के डॉग्स थे उनको खिला सकें ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल अटैच टू द टेम्पल मेरी ग्रैंड मदर हमेशा ही मेरे साथ स्कूल आती थी क्योंकि वो जो स्कूल था मंदिर से जुड़ा हुआ था द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स और जो पंडित थे वो हमें सुबह की प्रार्थनाएं और अल्फाबेट यानी कि अक्षर का ज्ञान देते थे या पढ़ाते थे वाइल्ड द चिल्ड्रन सेट इन द रोजन इधर साइड ऑफ द वरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर्स इन द कोर्स वाइल्ड जब जो बच्चे थे वरेंडा के दोनों ओर एक लाइन बना के बैठा करते थे और अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स को अक्षरों को और प्रेयर्स को प्रार्थनाओं को समूह गान के रूप में गाया करते थे माय ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स और मेरी जो दादी माँ थी वो इनसाइड या मंदिर के अंदर की बात हो रही है तो मंदिर मतलब वो बैठती थी अंदर बैठती थी और पढ़ती थी शास्त्रों को वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वी वुड वॉक बैक टूगैदर और जब हम दोनों ही अपना काम खत्म कर लेते थे यानी कि पढ़ने का और स्क्रिप्ट वो दादी माँ शास्त्रों को पढ़ने का और वो पढ़ाई करने का तो दोनों ही साथ साथ लौटते थे दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर और इस समय जो गाँव के डॉग थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे दे फॉलो टू अस टू our होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग with each अदर फॉर द चपाती we थ्रू टू them और वो हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक के आपस में क्रॉलिंग करते हुए और लड़ते हुए उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए रास्ते में डालते थे वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल इन द सिट दिस फॉर अस और जब मेरे पेरेंट्स मेरे माता पिता शहर सह, शहर में अच्छी तरह से बस गए थे सेटल हो गए थे और उनकी अर्निंग्स बराबर हो गई थी उन्होंने हमारे लिए भेजना शुरू किया यानी कि वहाँ से उन्होंने उनके लिए उन लोगों के लिए रुपीज़ भेजने शुरू किए दैट वॉज अ turning पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था हमारी दोस्ती का हमारी दोस्ती यानी कि औसत और उनकी ग्रैंड मदर की दोस्ती जो थी बहुत अच्छी थी लेकिन इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आया उनकी दोस्ती में ऑल दो यू वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू माई स्कूल विद मी हालांकि तो हम दोनों ये कमरा अभी भी शेयर करते थे लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मेरे साथ स्कूल अब कभी नहीं आती थी आई यूज़ टू गो टू एंड इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस और मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था एक मोटर बस में देर वर नो डॉग इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस और अब रास्ते देर वार नो डॉग अब रास्ते में गलियों में कोई भी डॉग्स यानी कि डॉग नहीं थे क्योंकि वो जो फीडिंग्स थी जो खाना खाने के लिए सामान था वो अब उस स्पैरो को दिया करती थी जो कि सिटी सिटी वो सिटी हाउस के कंट्री यार्ड में ही उन स्पैरों के लिए फीडिंग्स डाला करती थी एज द ईयर रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया या फिर सा वर्ष बीतते गए हम लोग एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे या फिर उनका कम्युनिकेशन कब लगभग कम हो गया था आपस में मिलना जुलना कम हो गया था फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेट मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल कब कुछ समय तक तो वो मुझे कंटिन्यूसली मतलब लगातार मुझे सुबह उठाती रहीं और मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती रही वन आई केम बैक शी वुड मी वट द टीचर हैड टॉटी और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे टीचर कि मुझे मेरी टीचर ने क्या सिखाया आई वुड टेल हर्ट इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी अकोमडीज प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बींग राउंड एक्सेट्रा फिर वो बोलते हैं बोलते हैं ऑथर की जो मेरी मैंने उनको बताया कि इंग्लिश कुछ शब्द बताए और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस के बारे में वेस्टर्न लर्निंग्स के बारे में बताई और उनको बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया आर्कामडीज का सिद्धांत बताया और ये भी बताया कि द अर्थ द वर्ल्ड बींग राउंड की अर्थ गोल है या वर्ल्ड जो दुनिया है हमारी गोल है दिस मेड हर अनहैप्पी ये सुन के वो दुखी हो जाती थी वो खुश नहीं होती थी शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स क्योंकि वो इन सब लेसन्स में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकती थी शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन एट द इंग्लिश स्कूल एंड बॉल डिस्ट्रेस दैट देर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स और ये सुन के शिडन ऑफ बिलीव इन वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो कि इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी और इससे बहुत दुखी होती थी कि वहाँ पर भगवान और शास्त्रों से रिलेटेड कोई भी टी चीज पढ़ाई नहीं कराई जाती वन डे आई अनाउंस डेट वी वर बींग गिवेन म्यूज़िक क्लास एक दिन मैंने ये बताया कि ये मैंने एक दिन दादी को ये बताया कि हमको म्यूज़िक की क्लास यानी कि जो म्यूज़िक की क्लास कराई जा रही है या हमको म्यूज़िक क्लास दी जा रही है शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड इसको सुन के वो बहुत डिस्टर्ब हो गई बहुत परेशान हो गई टू हर म्यूजिक म्यूजिक हैडा लूड एसोसिएशन और उनके अनुसार जो म्यूजिक थी वो एक भद्दी संगति वाले लोग या फिर निचले तबके के लोग करते थे उनके अनुसार जो म्यूज़िक था जो गाना बजाना था वो सिर्फ निचले तबके के लोग ही करते थे इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हर्लट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक्स और उनके अनुसार जो जहाँ तक म्यूज़िक की बात है उनके उनके ग्रैंड मदर के अनुसार वो सिर्फ नाचने बजाने वाले लेडीज़ और बैगरों यानी कि भिखारियों का ही एकाधिकार है और एक जेंटल फोक यानी कि एक अच्छे सभ्य समाज के लिए ये नहीं है शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन जो साइलेंट था जो उनकी चुप्पी थी उनका उसका ही मतलब था कि वो डिसअप्रूव इस बात से एग्री नहीं करती यानी कि वो उसको इस बात से राजी नहीं थी शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैथ और उसके बाद वो बहुत ही कम उससे बोलती थी यानी कि ऑथर और ग्रैंड मदर का कम्युनिकेशन अब बहुत ज़्यादा अब सॉरी अब बहुत कम हो गया था When I went to went up to university, I was given a room of my own. और जब मैं यूनिवर्सिटी गया यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो मुझे एक मुझे खुद का कमरा दिया गया The common link of friendship was snapped. और जो common link था एक जोड़ था जो आपस में जुड़े यानी कि friendship का जो एक link था वो भी अब टूट गया था My grandmother accepted her हर with resignation. यानी कि जो उनकी म, मेरी ग्रैंड वो यहाँ पर ऑथर कहने जाते हैं जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्होंने लोनलीनेस और उन्होंने लोनलीनेस को बड़ी कामली एक्सेप्ट कर लिया था और उसको एक्सेप्ट कर लिया था मतलब अपने जो उनका लोननेस था जो उनका अकेलापन था उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया था और उसमें उनका कोई और विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और उनका कोई सेंटिमेंट इसमें जुड़ा हुआ नहीं था मतलब अब जैसे क्योंकि जैसे जैसे ही वो यूनिवर्सिटी गए तो उनका रूम अलग दे दिया गया था और जो एक रूम में रहने के कारण जो उनका आपस में कॉमन लिंक था जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन था या थोड़ा बहुत जो लिंक था आपस में एक कमरे के कारण वो भी अब टूट गया था उनके दोस्ती का वो लिंक भी कम्पलीटली टूट चुका था और उनकी उनकी जो दादी थी उनकी दादी थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि अब वो अलग कंपनी में रहती थी अकेले रहती थी तो उन्होंने तो उस अकेलेपन को उस आइसोलेशन को बड़ी कामली एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया था बिना किसी परेशानी के उन्होंने चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था एक्सेप्टेंस हर सर्कुलेशन विद रेजिग्नेशन का मतलब यही है कि उन्होंने अपने जो लोनलीनेस था उसको बड़ी काम ली और अपने फेथ मान के उसको एक्सेप्ट कर लिया था हर शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनी और वो अपना जो कताई करने का जो चरखा था चरखा था उसको बहुत ही बिल्कुल ही कम छोड़ती थी उसको छोड़ती नहीं थी किसी से बात करने के लिए भी वो उसको नहीं छोड़ती थी यानी कि वो बहुत ही वो जो अपनी चरखा था कताई का चरखा उससे वो कताई करती रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड एसेटिंग पेयर और सुबह सूर्य उदय से शाम शाम को सूर्य अस्त तक वो सिर्फ कताई का, का काम करती थी और प्रेयर्स को बोलती रहती थी प्रार्थनाओं को करती रहती थी ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल्ड टू फीड द स्पैरोज और लेकिन सिर्फ आफ्टरनून में दिन के समय में वो थोड़ा सा आराम करती थी कुछ देर के लिए कुछ समय के लिए और उस समय क्या करती थी वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी इनको फीड करती थी वाइल्ड वाइल्ड सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स हंड्रेड ऑफ बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलैम ऑफ चिपिंग और और क्या होता था जब वो वायल्स जब वो वरांडा में बैठ शी सेट इन द दरांडा जब वो वरान्डा में बैठती थी और बैठ के छोटे छोटे टुकड़े काटती थी और तो उस समय हंड जिस समय वरान्डा में बैठ के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े काटती थी या तोड़ती थी तो उस समय हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड सैकड़ों ताद की तादाद में छोटी छोटी चिड़ियाँ वहाँ कलेक्ट कलेक्ट हो जाती थी इकट्ठा हो जाती थी और क्या करती थी एक आवाज़ बना करती थी एक नॉइज़ वाली कन्फ्यूज़न से भरी हुई आवाज़ क्रिएट करती थी वो स्पैरोज़ ठीक है तो बैटलम का मतलब होता है हंगामा होता है चिपिंग्स तो बर्ड की साउंड हो गई और वेरिटेबल मतलब होता है सच्चा मतलब कहना चाहिए कि वो जो बर्ड्स थी वो वहां पर आती थी वो ब्रेड खाने के लिए और अ वेरिटेबल बैटलम ऑफ श्रिपिंग्स का मतलब वो एक नॉइज करती थी कन्फ्यूज कन्फ्यूज नॉइज क्रिएट करती थी अपनी चिपिंग साउंड करती थी और सारे और फैल के उस वरांडा में यानी कि कहने का कहने का मतलब ये है कि वरांडा उन बर्ड्स की स्ट्रिपिंग से उन बर्ड्स की आवाज़ से भर जाया जा भर जाता था सम केम एट प्रिचड ऑन हर लेग्स अदर ऑन हर शोल्डर कुछ चिड़िया जो थी आती थी उनके पैर में बैठ जाती थी कुछ उनके कंधों में सब इन इन ऑन हर हेड और कुछ और कुछ तो उनके सर पे भी बैठ जाती थी सी स्माइल बट नेवर शूट दैम अवी वो हमेशा हंसती वो स्माइल वो हंसती थी और उनको कभी भी शूट दैम अवी मतलब उनको उड़ाती नहीं थी इट यूज टू बी द दैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ़ द डे ऑफ आर लाइफ और ये क्या होता था सबसे खुशनुमा समय होता था सबसे खुशनुमा आधा घंटा का समय होता था उनके पूरे दिन में मैंने डिसाइडेड टू तो गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी स्टडीज़ आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड भी अपसेट जब मैंने ये निर्णय निश्चय किया कि मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड विदेश जाऊँगा तो मेरे इस बात का विश्वास था कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही दुखी होंगी आई वुड भी अवे फॉर फाइव ईयर्स एंड एट हर एज वन गुड नेवर टेल और मैं क्योंकि मैं पाँच साल तक दूर रहने वाला था और उनकी इस एज में हम कुछ नहीं कह सकते मतलब वो इतनी बड़ी थी उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि आगे आ, आगे पाँच साल बाद क्या अवसर उनको मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे क्या वो जीवित रहेंगी कि नहीं रहेंगी इसका उनको कोई ज़्यादा भरोसा नहीं था बट माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी ग्रैंड मदर रह भी सकती हैं यानी कि मेरी ग्रैंड मदर जीवित भी रह सकती हैं पाँच साल बाद में उनको मिल भी सकता हूँ फिर आगे ऑथर ऐसा कहते हैं शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वो तो बिल्कुल ही भावुक नहीं थी उनमें कोई से, से, सेंटिमेंटल वो बिल्कुल नहीं थी बिल्कुल भावुक नहीं थी शी केम टू मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन वो मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आई लेकिन उन्होंने ना कोई बात करी और ना ही अपनी कोई भावनाओं को मेरे सामने दिखाया हर लिप्स मूव इन पेयर प्रेयर हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर उनके जो प्रेयर और जो उनके लिप्स थे जो उनके होंठ थे वो प्रार्थना में हिलते रहे यानी कि वो प्रार्थना करती रहती थी तो भगवान का नाम लेती रहती थी तो उसमें उनका मूवमेंट होता रहा उनके लिप्स का और उनका जो माइंड था उनका जो तो दिमाग था सिर्फ प्रार्थनाओं में ही खोया रहा हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी और उनकी जो फिंगर्स थी जो उनकी उंगुलियाँ थी वो बिजी थी वही माला को जपने में माला को जपने में उनकी फिंगर्स बिजी थी साइलेंटली सी किसड माई फोर हैड एंड वेन आई लेफ्ट आई आई चेरिस्ड द मॉइस इम्परिंट एज पर हैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस साइलेंट और बहुत साइलेंटली बहुत चुपचाप से उन्होंने मेरी फोर हेड में किस किया और जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मेरे फोर हेड में चुपचाप से किस किया और मैंने उनके जो जो किस का जो प्यार जो उन्होंने मुझे शो किया था मेरे माथे के ऊपर उसको मैंने बहुत ही चेरिस डे बहुत ही इन्जॉय किया और शायद ये लास्ट साइन था हम हमारा आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट का बट दैट वॉज नॉट सो लेकिन बस इतना ही नहीं था आफ्टर फाइव ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मीट बाय हर एट स्टेशन और जब मैं पाँच साल बाद वापस आया घर वापस आया तो मैंने उनको उनको उनसे स्टेशन में मिला शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर वो एक भी दिन ज़्यादा बड़ी नहीं लगती थी शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल्ड शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स और मतलब वो अभी भी उतनी ही समय उतनी ही एज की लगती थी मानो जितनी ये पहले छोड़ के गए थे और था उतनी ही एज की लगती थी वो एक दिन भी बड़ी नहीं लगती थी अभी भी माना टाइम का उन समय ने उन पर कोई असर ही नहीं डाला था समय का कोई असर ही उनकी बॉडी पे देखने को उनकी फिजिकल अपीरेंस में देखने को नहीं मिलता था यानी कि जितनी बड़ी वो पहले लगती थी उतनी आज भी लगती थी उससे ज़्यादा बड़ी वो नहीं लगती थी माना कि टाइम का उनके उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपने आंस में लिया जब उन्होंने मुझे हक किया तो मैं मैं सुन पा रहा था उनको उनके प्रेयर्स को बोलते हुए इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरावल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom सी फेड longer एंड with ट्रिबुलस रिब्यूक्स और पहले दिन इवन पहले दिन भी जब ऑथर इतने पाँच साल बाद पहले दिन भी वहाँ आए तो उनका उ, उ, उसमें इतना ज़्यादा खुश नहीं थी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा खुशी उनको तभी मिल रही थी उनका हैप्पियस्ट मोमेंट तभी था जब वो स्पैरोज को दाना डाल रही थी और जिनको वो कैसे फाइट कर रही थी दाना डाल रही थी थोड़ा सा फिबुलिस्यूब के साथ मतलब हल्की छोटी झिड़पी के साथ छोटी झिड़प के साथ प्यार भरी झिड़प के साथ उन चिड़ियाओं को दाना डाल रही थी मतलब प्यार से उनको दाना डाल रही थी थोड़ा बहुत डांटती थी लेकिन प्यार के साथ इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर और शाम को एक बहुत बड़ा चेंज उनमें देखने को उन, उनकी उसमें उन्हें देखने को मिला शी डिड नॉट प्रे उन्होंने उसने प्रे नहीं की शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग एक बहुत बड़ा चेंज उन्हों, शाम को मुझे देखने को मिला उन्होंने उस दिन प्रे नहीं की उन्होंने उस दिन प्रे नहीं की और उन्होंने पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया एक पुराना सा ड्रम यानी कि ढोलक लाए और बत, गाना शुरू किया फॉर सैवर लाल सी थम्ड द शैगिंग स्किन ऑफ द डेलीपेटेड ड्रम और कब कई घंटे उन्होंने बजाया थपथपाया उस उस डिलपटेड ड्रम को यानी कि ऐसा ड्रम जो कि इसका मतलब है द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलापेटेड ड्रम का मतलब एक ऐसा ड्रम जो बहुत पुराना सा हो गया है जो बार बार बजाने के कारण बहुत पुराना हो गया है और जो उसकी स्किन है वो थोड़ी थोड़ी सी फटी हुई सी है मतलब इस रिफोर्ट इ पुअर वॉन कंडीशन ऑफ द ड्रम जो बींग प्लेड बाय द ग्रैंड मा इसका मतलब ये है एंड सेंग फॉर सम एंड सेंग फॉर होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स और वो गाना क्या गा रहे थे जैसे कि जब योद्धा लड़ाई के बाद वापस घर आता है तो उस उस गाने को वो गा रहे थे वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग हमको उनको समझाना पड़ा ताकि वो अपने को ज़्यादा जा, उनको जादा, वो ज़्यादा स्ट्रेन ना ले यानी कि अपने को ज़्यादा थका ना दे क्योंकि वो गाना गा रही थी उनकी एज बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो गाना गा रही थी ढोल बजा रही थी तो हमको ऐसा यहाँ कहते हैं हमें उनको समझाना पड़ा था कि वो ज़्यादा गा के और ज़्यादा स्ट्रेन ना लें क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेन उनकी एज में ज़्यादा सही नहीं था दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी हैड नॉट प्रे और ये पहला समय था जब से मैं जानता था यही पहला समय था जब वो प्रेयर नहीं कर रही होती थी कर रही कर जब वो प्रेयर नहीं कर रही थी मतलब जब से वो ऑथर उनको जानते थे तब से हमेशा उन्होंने देखा है कि वो हमेशा प्रेयर करती हैं प्रार्थना करती हैं किसी मूवमेंट में प्रार्थना नहीं छोड़ती लेकिन यही एक ऐसा समय था जब ऑथर ने ये पाया कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी उस उस पर्टिकुलर उस टाइम की बात कर रहे हैं ऑथर नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टीके इल अगले सुबह ही वो बीमार पड़ गई थी इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो वो एक हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि वो जल्दी चला जाएगा यानी कि वो ठीक हो जाएंगी बट माई ग्रैंड मदर था डिफरेंटली लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कुछ अलग ढंग से सोच रही थी शी शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर उन्होंने बताया कि उनका अंत अब पास है शी सेट दैट सिंस ओनली अ फ्यू आर्ट बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे और उन्होंने हमको बताया कि ओनली अ फ्यू आर्ट्स बिफोर अभी कुछ ही घंटों पहले द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ जो अब उनके लाइफ के लास्ट चैप्टर उनके लाइफ का लास्ट चैप्टर के क्लोज होने से कुछ समय पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है छोड़ दिया था उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस इसलिए वो अब और ज़्यादा बात हम लोगों से और ज़्यादा बात करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहती थी मतलब कहने का मतलब ये क्या होता उसका कहना चाहते हैं कि जैसे शाम के समय में वो लेडीज़ को बुला के गाना गाने लग गई थी और ढोल गाने लग गई थी तो उस समय उन्होंने प्रार्थना करना कुछ समय के लिए छोड़ दिया था तो जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब उनकी ज़िंदगी का अंतिम क्षण आ गया है और उनके अंतिम क्षण अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षण से कुछ पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था तो उन्होंने आगे ये डिसाइड किया कि अब वो और समय बर्बाद नहीं करेंगी और लोगों से बात करके और वो सिर्फ प्रार्थना करेंगी वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट हमने इस बात का विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध को इग्नोर किया उन्होंने ध्यान नहीं दिया हमारे बात में क्योंकि उन्होंने बात करना छोड़ दिया था उसके बाद शी ले पीसफुली इन हर बेड एंड टेलिंग हर बीट्स और फिर वो चुपचाप से शांतिपूर्वक अपने बेड में लेट गई और अपनी माला को हिलाती रही, इवन मैं फिर प्रार्थना करती रही या भगवान माला जपती रही, इवन बिफोर वी वुड वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफ लाइफलेस फिंगर्स और इससे पहले कि हम कुछ शंका कर पाते उनके जो लिप्स जो लिप्स थे जो प्रार्थना हमें हिलते रहते थे वो रुक गए और जो उनकी माला थी उनके हाथ उनकी जीवन रहित फिंगर्स से उंगलियों से नीचे गिर गई त्वचा का पीलापन पोला पैलोर मतलब होता है त्वचा का पीलापन तो मतलब एक शांतिपूर्ण पीलापन जो था उनकी त्वचा में पूरे स्किन फेस पे स्प्रेड हो गए थे यानी कि फैल गया था क्योंकि ऐसे वो अब वो मर गई थी तो उनके पूरे फेस में एक शांतिपूर्ण पीलापन सा फैल गया था पैलोर का मतलब होता है त्वचा का पीलापन एंड शी न्यू दैट शी वॉज डेड एंड सॉरी एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड और हमें पहला और का मतलब होता था त्वचा का पीलापन तो एक जब क्योंकि वो डेड हो गई थी तो उनके चेहरे पे एक शांति थी एक पीस का भाव था और त्वचा भी जो फेस थी वो भी जो फेस था उसमें पीलापन पूरा फैल गया था पूरा स्प्रेड हो गया था बिखर गया था और हमें इससे हमको पता चल गया था कि, दे, कि वो मर चुकी हैं वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड शाउड हमने उनको बेड से उता जो उतारा जो कि रिवाज था उसके अनुसार हमने उनको ज़मीन पे लिटाया और उनको कवर कर दिया एक रेड कलर के कपड़े से या फिर कफन से आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी वेंट हर अलोन टू मेक हर अरेंजमेंट फॉर द फ्यूनरल और कुछ समय तक रोने रो रोदने से रोकर या फिर विलाप व्यक्त करके या दुखी होकर हमने उनको थोड़ा अकेला छोड़ दिया ताकि हम अरेंजमेंट कर पाएँ तैयारियाँ कर पाएँ उनकी अंतिम यात्रा की उनकी अंतिम यात्रा की इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिएटेड और शाम के समय में हम उनके कमरे में गए एक क्रूड uh, स्ट्रेचर को लेके यानी कि जो बनाया जो टेम्प्रेरी स्ट्रेचर बनाया था क्रूड स्ट्रेचर बनाया था उसको लेके उनके कमरे में ले गए ताकि हम उनको ले आ सके क्रिएशन के लिए यानी कि उनके दाह संस्कार के लिए द सन वॉ सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम्स एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट जो सन था वो सूरज था वो डूब रहा था और सन और जो उनका कमरा था और जो उनका वरान्डा था वो एक सुनहरी आभा से सूरज की सुनहरी आभा से भर गया था वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री याड और हम कंट्री याड यानी कि अपने जो कंट्री याड का मतलब होता तो है आंगन तो वो आंगन में अपने आंगन के आधे रास्ते पे रुक गए ऑल ओवर द वांडा हैड इन हर एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड ऑफ स्पैरोट्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर सारे वरांडा में उनके कमरे में जहाँ उस ठीक उस जगह पर जहाँ उनको लेटाया गया था टाइटली उस कपड़े से लपेट के रेड कपड़े से लपेट के जहाँ उनको लेटाया गया था उनकी डेड बॉडी को जहाँ रखा गया था लाल कपड़े में लपेट के ठीक वहाँ उनके वरांडा में और उनके रूम में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़ हजारों की तादाद में जो स्पैरोज थी वो पूरे फ्लोर को में भर गई थी स्कैटर्ड हो गई थी बिखर गई थी देआर वॉट नो चुपिंग्स लेकिन उस दिन वहाँ कोई चुपिंग्स नहीं थी कोई चींची हाट नहीं थी चिड़ियाओं की जो आवाज़ी थी चुपिंग्स वहाँ बिल्कुल नहीं थी वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ड सम ब्रेड फॉर देम हम लोगों को उन चिड़ियाओं के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि दादी माँ हमेशा ही चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी तो ये देख कर के हम लोगों को बहुत बुरा लगा उन चिड़ियाओं को ले को उनको देख कर मेरी मदर थी जो उन्होंने वो कुछ ब्रेड लेके आई उनके लिए शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम मेरी उन्होंने मतलब मेरी मम्मी ने उन ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी और उनके लिए डाल दिया ताकि वो खा सके द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड लेकिन उन स्पैरोज ने उन गौरैयाओं ने उन ब्रेड के टुकड़ों को पर ध्यान ही नहीं दिया वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ द फ्लू अवे क्विटली और जब हम उनकी बॉडी को उठा के द ग्रैंड मदर की बॉडी को उठा के ले गए तो वो चुपचाप से उड़ गईं नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ट ब्रेड क्रम्स इंटू द डस्बिन और अगले सुबह स्वीपर वहाँ आया और उसने उन ब्रेड के टुकड़ों को साफ कर उठाकर डस्बिन में फेंक दिया यानी कि वो जो बर्ड्स थी स्पेरो थी वो बहुत दुख फील कर रही थी और उस दुख में उन्होंने ना कुछ खाया ब्रेड के क्रम्स नहीं खाए और उन्हें वहीं छोड़ दिए और वहाँ चली गई और अगले सुबह वो स्वीपर पर वहाँ आया और उन्होंने क्लीन करके उस ब्रेड के क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन कर प्रेस करें मैं फिर से मिलूँगी एक बार एक नए चैप्टर संग टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर